अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब हैरियत से होंगे। और आज मैं आई मेकअप करने जा रही हूँ, जो कि है पिंक ग्लिटर पे। अक्सर लड़कियाँ ग्लिटर्स पे वीडियो बनाती हैं, तो मैं आज बनाने जा रही हूँ ग्लिटरी आई शेडो करूँगी आज, उस पर मेकअप की वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो बिना टाइम गवाए, लेकिन सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं, इनके आईब्रो बने हुए नहीं हैं, तो इनके आईब्रो को मैं इतनी ज़्यादा शेप नहीं दूँगी। साथ इनके आईब्रो जो है बहुत कम है, तो फिर इनको मैं लाइट बुशिश सी आईब्रो जो है ना बनाऊंगी रफ रफ से। ये कलर प्रो का पैलेट है, हाइलाइटर और ब्रॉन्जर 7 Cool का। इसमें से मैं ये लाइट ब्राउन कलर लूंगी स्पूली पे, और स्पूली की मदद से इनके आईब्रो को जस्ट थोड़ा थोड़ा शेड दूंगी। तो ये मैंने इनको शेप दे दिया बिल्कुल लाइट लाइट, ले आपको ब्राउन ब्राउन सा नज़र आ रहा होगा। ये मैंने कस्टमाइज जो लिक्विड बेस आपको सिखाई थी, इसी से मैं कंसील करूँगी आईज पे। दोनों आईज पे इस पर मैंने लगा दिया, ऊपर भी और नीचे भी, और सेम इसी तरह उस आईज पे भी करूँगी और ब्लेंड करके फिर नापती हूँ। इस तरह से हल्के हाथ से हमें टैप टैप करना है। आप ये मैंने सेट कर लिया कंसीलर, अब इसके बाद जो है मैं ये पाउडर लगाऊंगी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। आप उसी पैलेट में से मैं ये कलर लेके क्रीज लाइन पे क्रीज लाइन पे दूंगी। बेटा चुप हो जाए, डिस्टर्ब हम सॉरी है, प्लीज़ इग्नोर करें ये जो कस्टमर के बच्चे बैठे हुए हैं इनकी आवाज़ को, और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे सेम उधर भी इसी तरह। अब एक और पैलेट है, इसमें से मैं ये डार्क ब्राउनिश कलर लाइट सा लूँगी, लाइट सा मैं कॉर्नर पर दे दूँगी। सेम ऐसा दूसरी आंख का भी करूँगी। नाउ गाइस, ये जो ग्लिटर्स हैं हैंग फैंग के डायमंड ग्लिटर हैं, ये 10 ग्लिटर हैं, बहुत ब्यूटीफुल शेड्स हैं। आपके साथ इनका रिव्यू मैं शेयर कर चुकी हूँ। अब इसमें से मैं पिंक कलर लूँगी और वो लगाऊँगी। और गाइस, आपने ये इस तरह का कलर है, इसका आपने ख्याल रखना है कि ये जो ग्लिटर लगा रही हूँ ये थोड़ा लिक्विडिश है, और आपने ख्याल रखना है कि आंखें जो है आप बंद करवा दें लगवाने के बाद, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और ये ड्राई नहीं होगा तो ये क्रीज कर जाएगा। ये मैंने अप्लाई कर दिया, दोनों आंखें देख लें आप, बस अब ये ड्राई होगा, उसके बाद लाइनर लगाऊँगी, लैशेज लगाऊँगी। अब ये जो मेरा है ये मैंने खुद बनाया था, अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं फिर कह रही हूँ एक बार, मैं दोबारा जिक्र कर रही हूँ और पहले भी कर चुकी हूँ, ये मैंने खुद बनाया था। मेकअप फिक्सर है शाइन वाला, और ये बाज़ार में बने हुए बहुत महंगे मिलते हैं। ये थोड़ा सा डालेंगे और इसके बाद, ताकि ये लगने के बाद वाटरप्रूफ हो जाए, इस तरह से हम लगाएंगे। अब ये जो आई शेड हमें ग्लिटर नज़र आ रहा है ना, अब इधर से ना लाइनर को इस तरह स्मर्श करेंगे, ताकि ये जो हार्श लाइन है ना ये नज़र आना बंद हो जाए और हमारा लाइनर भी अच्छा और खूबसूरत लगने लगे। ये भी 7 Cool का है बटर फेस, ये शिमर है, हाईलाइटर है, तो इसको मैं अप्लाई करूँगी ब्रो बोन पे। इस तरह का सिल्वर भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो इसको मैं ब्रो बोन पे लगाऊंगी। ये ब्रो बोन पे लगा लिया, सेम उधर भी लगाऊंगी, अच्छे से मस्कारा लगाएंगे और नीचे देखे थोड़ा सा और लैश अप्लाई। ये मैक्स फैक्टर की आई लैशेज है 3D, और इनका भी रिव्यू है मेरे पेज पर, तो मैं ये अप्लाई करूँगी, इगम यूज़ करूँगी। ये मैंने लैशेज अप्लाई कर लिया, आंखें खोले, देखें इससे कितनी प्यारी लग रही है। अब इनकी आंखों में भर के काजल लगाऊंगी मैं। अगेन गाइस, ये देसी काजल मैंने आपके साथ शेयर की थी ना वीडियो, ये लगाऊंगी। उप्स थोड़ी मम्मा, और जब आंखें खोले ना ब्राइड या फिर पार्टी मेकअप, थोड़ी सी लैश को इधर से ऐसे कर दें, इससे आंख खुली खुली लगती है दोनों कॉर्नर से। आंखें खोले, ऊपर आराम से, आराम से ऊपर देखिए, डाल दिया बेटा। आपकी मम्मा को कुछ नहीं कर रहे हम, आप काइंडली बैठ जाओ ऊपर देखिए। अब ये अच्छे से लगा के इसको ना ऊपर देखिए, अच्छे से लगा के इसको अब हमने ब्लेंड करना है आई शेडो के साथ, ब्राउन आई शेडो के साथ। अब इधर से हम इसको ब्राउन शेड के साथ ब्लेंड करेंगे, ताकि आंख हमारी और अच्छी और खुली लगे। जी फ्रेंड्स, तो ये थी आज मेरी पिंक ग्लिटर आई शेडो मेकअप था आज का मेरा, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। बन करें, सो ये मेरी क्लाइंट है और आज इनको जाना था,
सो मैंने इनसे कहा कि ड्रेस वगैरह तो आपने पहना हुआ है, मैं पहले आपका, आगे खोल दे, मैं पहले आपका मेकअप करती हूँ, और इनको पिंक चाहिए था तो मैंने कहा मैं आपका मेकअप करती हूँ, पार्टी मेकअप और हैवी नाइट का, तो उसके बाद मैं आपका फेस का मेकअप कर लूँगी। तो देख लें फ्रेंड्स, आंखें खोलिएगा, ये लास्ट लुक है लैश वगैरह लगने के बाद। सो वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।